What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 1 जनवरी 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:06 हो रहे हैं। नया साल है, नया मंथ है, तो निफ्टी एनालिसिस का हम शुरू करते वक्त मंथली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ईयरली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में निफ्टी का ट्रेंड कैसा है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद निफ्टी के लिए आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर यानी 31 दिसंबर आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपको हमारा कल का वीडियो देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,274 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,216। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और हमारा जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो उसके बाद फर्स्ट टारगेट 12,199 ये भी अचीव हुआ और एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट लेकर बाउंस बैक दिखाने की कोशिश की। हालांकि लास्ट आर जो बचा था ट्रेडिंग का उसमें इसने फर्स्ट टारगेट ब्रेक करने के बाद हमारा सेकेंड टारगेट 12,179 ये भी अचीव किया और इसी के पास आकर ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 21,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। काफी एक्यूरेट लेवल कल के साबित हुए। चलते ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। कल यूएस मार्केट नासडेक में 26 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। कल एक ट्वीट आया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि यूएस और चाइना में जो टैरिफ डील चल रहा है वो अंतिम कगार पर है, तो 15 जान को इस ट्रेड की डील जो है वो साइन होने वाली है। तो एक पॉजिटिव खबर है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। आज 1 जनवरी है तो खासकर मार्केट्स आज दुनिया भर के बंद है। कल यूरोपियन मार्केट्स देखे तो लाल निशान में बंद हुए थे, काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था साल के लास्ट दिन पे। आज एशियाई मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बाकी आज छुट्टी है वहाँ पर 1 जान की। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अभी फिलहाल मिला जोरा कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ईयरली चार्ट से हम शुरू करेंगे निफ्टी का, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड क्या है निफ्टी का ये हमें इससे पता चलेगा। ये निफ्टी का ईयरली चार्ट यानी एक कैंडल हमें एक ईयर का ओपन हाई लो और क्लोज वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूज अप ट्रेंड में है, निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यूज अप ट्रेंड में है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा है ये 2008 का है, जहां पर पूरी दुनिया भर में मंदी आई थी 2008 का ये फॉल है। उसके बाद निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, यानी 2008 में अगर देखें तो 6000 के पास निफ्टी इंडेक्स था, वो आज 12000 के पास है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और ये कंटिन्यूस लास्ट 4 मंथ से यहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पर दिखा रहा है। तो यानी निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, निफ्टी अगर ग्रो कर रहा है तो निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं जिसके ऊपर निफ्टी कैलकुलेट होता है, तो अगर हम उन 50 कंपनीज में अगर कंटिन्यूस एसआईपी करते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो हमें भी निफ्टी इंडेक्स जैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, निफ्टी इंडेक्स अगर बढ़ता है तो निफ्टी की 50 जो कंपनीज है ये भी हमें उस तरह के रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखती है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये स्टॉक मार्केट में अगर काम करता है तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों भी साथ में करना चाहिए। तो अगर ये दोनों अगर हम अच्छे से करते हैं तो ये मार्केट हमें और भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देता है। तो यहाँ अभी ये लास्ट ईयर का कैंडल आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बना हुआ है, हायर हाई हायर लो का पैटर्न भी कंटिन्यूज है। वॉल्यूम देखें नीचे तो राइजिंग वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे कंपेयर टू लास्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पर कंटिन्यूज निफ्टी इंडेक्स हमें ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, ईयरली चार्ट हमें लॉन्ग टर्म मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है ये इंडिकेट करता है। चलते हैं मंथली चार्ट में। यह मंथली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का यानी एक कैंडल हमें एक मंथ का ओपन हाई लो और क्लोज वैल्यू प्रेजेंट करता है।
अभी लास्ट 5 मंथ से यहाँ पर भी हायर आया हायर लोज का पैटर्न चल रहा है प्राइस एक्शन में, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन ये अभी दिसंबर का कैंडल देखे तो इसने दोजी फॉर्मेशन यहाँ पर दिया, यानी इनडिसिजिव पैटर्न, जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो जब भी दोजी पैटर्न बनता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पर एक इंडिकेशन होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता, इंडिकेशन होता है, सिग्नल होता है। अभी इसका हाई और लो अगर ब्रेक होता है तो ये हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल के लिए हम इसे मान के चल सकते हैं। अभी नीचे अगर RSI का बिहेवियर देखें तो ये यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है मंथली चार्ट में, और ऊपर प्राइस एक्शन में तो हायर हाइज बन रहे हैं, नए हाइज बन रहे हैं, लेकिन RSI अभी तक यहाँ पर हायर हाइज नहीं बना रहा है, ना ही यहाँ पर राइजिंग बॉटम्स बना रहा है अब तक। अगर ऐसा राइजिंग बॉटम RSI में बनता है, राइजिंग बॉटम, तो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स और भी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये टोटली निगेटिव डाइवर्जन हमें यहाँ पर RSI दिखा रहा है मंथली चार्ट में। तो ऊपरी लेवल्स पे अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, क्योंकि RSI और MACD अभी भी उसी ट्रेंड में हमें 100% नहीं दिखाई दे रहे मंथली चार्ट में। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन में कंटिन्यूस बुलिश पैटर्न बना हुआ है, लेकिन जो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स है ये अभी भी 100% हमें बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं दिखा रहे एज पर मंथली चार्ट। ये बजट के पहले का एक मंथ है, बजट आने वाला है February 1st में, तो ये हो सकता है यहाँ से एक बुलिश रैली भी हमें मार्केट दिखा सकता है, प्री बजट रैली। तो कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पर। मंथली और ईयरली चार्ट में हमने देखा निफ्टी इंडेक्स जबरदस्त बुलिश पैटर्न में है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे हर बार हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यह मंथली और वीकली, मंथली और ईयरली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं ईयरली वीकली चार्ट में। यह है वीकली चार्ट, यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, ये देखिए यहाँ पर। तो अभी 12,240 के पास रेजिस्टेंस बना हुआ है, और नीचे अभी 12,080 के पास सपोर्ट बना हुआ है। 12,080 अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ऊपर के लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए फर्स्ट अभी हमारा 50% का ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 12,360 के पास। अगर ये 12,240 के ऊपर ये इस वीक भी अगर क्लोज देता है तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। कल हमने यहाँ पर दिखाया था कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बन रहा है, और अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, तो कंफर्मेशन कल हमें मिल गया। ये जो बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अभी डबल टॉप फॉर्मेशन भी बन सकता है। ये यहाँ पर फर्स्ट टॉप है, ये फिर सेकेंड टॉप, और अभी ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर इसका नेक लाइन, ये होगा इसका नेक लाइन, और 20 EMA ये ऑलमोस्ट सेम इसी लेवल के पास आ रहा है, और जहाँ पर ये बड़ा स्विंग हाई बना था इसका ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये भी इसी के पास आ रहा है। तो अभी ये जो 20 EMA है, 20 EMA जो कि अराउंड 12,126 के पास है, तो ये ब्रेक होता है तो नीचे 12,084 का, जैसे कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल में देखा, यहाँ पर एक 12,080 के पास ये सपोर्ट का काम कर सकता है, 12,080 टू 12,120। अगर इस जोन को भी ब्रेक कर देता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी हमें टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। 20 EMA को मोस्ट ऑफ द टाइम ये सपोर्ट टेस्ट करके फिर बाउंस बैक दिखाता है। अगर बाउंस बैक दिखाता है तो ये ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर नेक लाइन ब्रेक होने के लिए वेट करना होगा अगर हमें शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर कैरी करना है तो। लेकिन अभी 20 EMA जो पीए जो पिंक लाइन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, ऐसा हमें ये जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर है जहाँ पर स्विंग हाई बनाया था उसका भी रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। तो जहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करता है लेवल, फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है। तो हो सकता है इस लेवल के पास 12,100 के पास एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो और यहाँ से बाउंस बैक हमें देखने को मिले।
तो ये है निफ्टी इंडेक्स का डेली, वीकली, मंथली और ईयरली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो ये जो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है, ये अराउंड 12,189 के पास, इसको अगर कंफर्टेबली ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। इसे हम कलर कर देते हैं, स्टाइल चेंज कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं ब्रेकआउट लेवल। तो 12,188 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,206, जो कि ये ब्लू लाइन है 50 EMA का, ये फर्स्ट हर्डल का काम कर सकता है। और उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा 12,226, जो कि पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है, ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो इसको कल का लो ब्रेक करने दीजिए कंफर्टेबली, यानी 12,150 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं, ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। ये होगा हमारा ब्रेकडाउन लेवल। तो इसके नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, जो कि 12,131 के पास है, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकेंड टारगेट होगा, एक छोटा सा टारगेट होगा 12,117, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 12,131 के पास ये गैप अप जब भी ओपन हुआ था तो सस्टेन नहीं कर पाया था और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ था, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक करता है तो। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।